इंडिया हैज बिकमारेट कर यहां करो हमारे अपने होंगे। और इनकेस अगर किसी को नहीं पता, so there, आप वो वाली भी देख सकते हैं उसको देख के अगर ये वाली वीडियो देखोगे तो बेटर रहेगा अदरवाइज अगर नहीं भी देख रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं होगा आप इसके बाद में भी देख सकते चली बचे उससे रिलेटेड एक हमारा इनिशिएटिव है दैट इज बाय ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स बीआईएस बीआईएस का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स क्लब तो ये बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में खोले गए हैं ताकि आपकी जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है क्वालिटी क्या चीज़ है है ना और आपकी हैबिट में ही आ जाए क्वालिटी तो ये क्लब्स बनाए जा रहे हैं आपके स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर लगभग साढ़े छह हजार क्लब जो है वो ऑलरेडी खोल दिए गए हैं बी आई एस के थ्रू राइट और उन क्लब्स के अंदर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स की जो एश्योरेंसीज है और किस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है और ताकि उनके कॉन्शियस में ही आ जाए ये उनके माइंड में ही आ जाए तो उन सब के लिए रिलेटेड ये वाले स्टैंडर्ड क्लब जो है वो काम करते हैं राइट क्या है ये इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग क्लब्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कंप्राइजिंग टीचर्स स्टूडेंट्स एज मेंबर्स मेंबर्स इन ऑर्डर टू क्या सेंसिटाइज यंग ऑफ सोसाइटी किसके लिए बच्चे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एरिस्टॉटल का एक कोट है वो बोलते हैं कि क्वालिटी इज नॉट एन इवेंट इट्स अ हैबिट तो क्वालिटी कोई वन टाइम चीज नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने आज यार ये देखो मैंने कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है आज है ना इसके अलावा आप, आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपने आप यार क्या वॉट अ क्वालिटी पेंटिंग नहीं यू बिकम अ क्वालिटी पेंटर उसके बाद में आपका हर प्रोडक्ट आपका क्वालिटी निकलेगा नो no डाउट इन दैट राइट right? ना? तो क्वालिटी एक लास्टिंग चीज है इट्स अ लॉन्गर थिंग राइट तो उसी को ये जो है आपके ग्रास रूट में लेके जाना चाह रहे हैं बिकॉज दीज आर दी वंस जो जाके फ्यूचर में जाके जिन्होंने इंडस्ट्रीज खोलनी है रन करनी है या उनके अंदर जॉब करनी है डिजाइन करना है ये सब चीजें करनी है इनफैक्ट आपका क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन हर जगह ही मैटर करता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेंडर हूं राइट right? और आप कोई सामान खरीद रहे हैं इफ़ आई एम सेइंग कि यार ये एक किलो का सामान है वन के का वन किलोग्राम का सामान है आप इसको ले जाइए आप बोलोगे नहीं यार ये तो कम लग रहा है ये तो आठ सौ ग्राम है वी नीड अ स्टैंडर्ड फॉर दैट एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए कि हम एक स्केल पे रखेंगे अब स्केल सही क्यों कैसे बताएगा दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है ना जो कि इंडिया में आपका बी आई एस मेंटेन कर रहा है और इंटरनेशनली हमारे जो स्टैंडर्ड है दैट इज बाय में जिसका लिंक अगेन आपको नीचे मिल जाएगा आप, आप जरूर उसमें चेक कीजिएगा राइट right? कैसे करेंगे ये

तो जबकि क्वालिटी कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो अब एक हर टेस्ट भी बड़े ज्यादा right? anyway, तो कुछ नहीं मानक कक्षा के अंदर हर एक स्कूल के अंदर जो है एक रूम ऐसा बना दिया जाएगा जहां पे कुछ कुछ बेसिक कम्युनिटीज होंगी स्मार्ट लर्निंग के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके स्मार्ट टीवीज एवी सिस्टम्स प्रॉपर इलिमिनेशन डेकोरेशन ऑन द वॉल्स मतलब थोड़ा सा कंड्यूसिव सन्वायरमेंट की वहाँ जाके थोड़ा सा आप अगर इधर उधर वॉल्स पे देखोगे तो आपको थोड़ा दिल अच्छा लगता है मन करता है जैसे जब आप अभिमन्यु की क्लास में आते हो है ना तो एक वाइब्रेंट से टीचर थोड़े खिले हुए चेहरे वाले बच्चे राइट right? सो इन इस टाइप की चीज़ें तो आपको आपका मन करता है एक ऐसी स्पेस में आने का मन करता है और आपको कुछ ना कुछ सीखने का मन करता है राइट right?

ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स है ना अब थोड़ा सा क्योंकि यूपीएससी जो है वो स्टैंडर्स पर कम बात करेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्वालिटी कॉन्शियस हमारे अंदर ही आ जाए ताकि आंसर्स में भी दिखाई दे है ना अल्टीमेटली क्योंकि कोई नेगेटिव चीज नहीं है पॉजिटिव चीज है आनी चाहिए आंसर्स में बी आई एस आ सकता है पेपर में इसको हम बहुत शॉर्ट में तेजी से कवर करते हैं दो हजार सोलह का ये एक्ट है बच्चे जिसने बी आई एस को एज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कर दिया था बी आई एस इज देशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर दी

हॉल मार्किंग रेगुलेशन भी है गोल्ड और सिल्वर uh, की जो ज्वेलरी है उसके लिए कंपल्सरी आपको जो है हॉल मार्किंग चाहिए जो कि अगेन आपका जो है बी आई एस प्रोवाइड करता है एंड दैट इज ऑल इन टूडे टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर यिलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर यू Please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things: number one, weekly classes; number two, weekly PDFs of current affairs; number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough. For your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.